हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर जो है मैं आपको वेलकम करती हूँ। और इसके अंदर बिजनेस लॉ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर इंडेमनिटी एंड गारंटी के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके रिटर्न नोट जो हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। और उसी तरह क्या है कि अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, जिसको सेक्शन 124 डील करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि वन पार्टी जो है प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ए है वो प्रॉमिस करता है बी को कि अगर उस ए की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से कोई लॉस होता है तो ए जो है बी को कंपनसेट करेगा। और ए जो है उसको हम इंडेमनिफायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो व्यक्ति जो है प्रॉमिस करता है कि मैं आपका जो लॉस है उसको कंपनसेट करूँगा। और जिस व्यक्ति का लॉस जो है कंपनसेट करना है उसको हम इंडेमनिटी होल्डर कह देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो ये जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको छोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन एंड फायर इंश्योरेंस होता है, बाकी जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है इंडेमनिफायर है जो प्रॉमिस करती है, और ये जो व्यक्ति है वो इंडेमनिटी होल्डर है जिसने इंश्योरेंस ले रखी है, जिसको कंपनी जो है प्रॉमिस करती है कि अगर उसको कोई लॉस लगता है तो वो उसको कंपनसेट करेगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे ए जो है प्रॉमिस करता है बी को, बी को उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कंपनसेट करूँगा। बी यहाँ पे क्या है, बैंकर है। अब देखो ए के कहने पे क्या है कि बी ने जो है सी को रखा है, सी जो है कैशियर है, तो ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि अगर सी की वजह से क्या है कि बी को लॉस होता है तो वहाँ पे ए जो है बी को कंपनसेट करेगा। ए जो है देखो इंडेमनिफायर है, जो कि बी जो है बेसिकली इंडेमनिटी होल्डर है। तो यहाँ पे सी की वजह से अगर बी को लॉस होता है उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से, तो ए जो है उसको जो है कंपनसेट करेगा। ए जो है इंडेमनिफायर है जो कि प्रॉमिस करता है, इंडेमनिफाइड होता है जिसको हम जिसको कंपनसेशन देना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है यहाँ पे बेसिकली पार्टी को प्रॉमिस किया जाता है कंपनसेशन का या जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रेफर्स टू ए प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन टू मेक द गुड एनी लॉस और डैमेजेस Another has incurred or may incur by acting at his request for his benefit. जो जैसे प्रीवियस केस में क्या था कि ए ने बी के पास सी को रखवाया था, अगर सी की वजह से बी को लॉस होता है तो वहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं कंपनसेट करूँगा। तो जो सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जो डेफिनेशन है वो नैरो है, एग्जॉस्टिव नहीं है। उसके अंदर क्या है कि ओनली एक्सप्रेस प्रोमिसज जो हैं उनको कवर करती है कि जो इंडेमनीफाई के होते हैं, और वही केसेज होते हैं जहाँ पर लॉस जो होता है प्रोमिसर या एनी अदर पर्सन की वजह से जो है अराइज होता है। और उसी तरह हम यहाँ पे केस जो है एडमसन वर्सेस जैवरिस, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि पी जो है एक बोली लगाने वाला होता है, ऑक्शनर होता है जो कि बोली लगाता है, हिंदी में हम कह सकते हैं पी एंड ऑक्शनर सोल्ड सर्टेन कैटल ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पे पी जो है बोली लगाता है, नीलामी करता है, तो उसने कुछ जानवर जो थे बी के इंस्ट्रक्शन पर क्या थे कि सेल किए, और बाद में पता चला कि वो जो जानवर थे कैटल का अर्थ होता है जानवर जो कि ए को बिलोंग करते थे बी को बिलोंग नहीं करते थे, और जिसकी वजह से क्या है कि ए को जो है पैसे देने पड़े क्योंकि वो जानवर जो थे वो बी के नहीं थे ए के थे। तो वहाँ पे ऑक्शनर जो है उसने जो नीलामी करता है उसने बी को स्यू किया कि जो लॉस उसने बियर किया है उसको बी जो है कंपनसेट करे, क्योंकि उसने ये काम बी की इंस्ट्रक्शन पे किया था। तो यहाँ पे क्या है कि नेचुरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डैट इज़ दी इंडेमनिटी। यहाँ पे देखो जो बी है वो जो है वो इंडेमनिफायर है और पी जो है वो इंडेमनिटी होल्डर है, क्योंकि यहाँ पे
पी ने जो है बी के कहने पे काम किया था और जिसकी वजह से क्या है कि उसको लॉस हुआ है, और वो जो लॉस की भरपाई है वो बी करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, और इसके अंदर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो वो सारे प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर है यहाँ पे लॉ की वजह से क्या होता है कि चाहे वहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता तो भी क्या होता है कि कंपनसेशन देना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो फायर का इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरीन इंश्योरेंस का है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, बट जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेमनिटी होल्डर जो है, क्योंकि उसको सेक्शन 125 डील करता है जिसके अंदर वो बताता है कि ये इंडेमनिटी होल्डर के राइट हैं, तो इंडेमनिटी होल्डर जो होता है इंडेमनीफायर से जो है रिकवर कर सकता है, जितने भी उसको डैमेजेस होते हैं वो सारे के सारे जो है रिकवर कर सकता है जो उसको। और उसी तरह क्या है कि जितनी भी कॉस्ट उसको किसी मुकदमे के अंदर जो है पे करनी पड़ती है, बट वहाँ पे क्या होता है कि इंडेमनिटी होल्डर जो है वही कॉस्ट रिकवर कर सकता है जो जहाँ पे उसने वाइजली काम किया है, और उसने इंडेमनीफायर की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको कंट्रावेंट नहीं किया, उसको फॉलो किया है। और उसी तरह क्या है कि ऑल सम्स जो है वहाँ पर क्या है कि ऑल सम्स जो उसने जो भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है किसी मुकदमे के अंदर जो पे किया है तो वो इंडेमनीफायर से जो है रिकवर कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडेमनिटी होल्डर्स होता है उसको सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं अगर वो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम करता है। और उसी तरह इंडेमनीफायर के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में जो एक्ट है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर क्या है कि जो उसके राइट्स हैं वो राइट्स ऑफ श्योरिटी के साथ मिलते जुलते हैं जिसके अंदर सेक्शन 141 जो है अप्लाई करता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेंटी के अंदर जो है हम ये राइट जो है स्टडी करेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेमनिटी होल्डर जो होता है नेचुरली वो इंडेमनीफायर को तब भी स्यू कर सकता है जब तक उसको कोई, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसने लॉस जो है बेसिकली क्या है कि उसको कोई डैमेज जो है सफ़र करने से पहले भी क्या है कि वो इंडेमनीफायर को जो है स्यू कर सकता है। तो यहाँ पे है कि नेचुरली वहाँ पे कोई उसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है इनकर की है, तो यहाँ पे इवन जो है अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने से पहले भी क्या है कि वो अपना जो है लायबिलिटी का क्लेम जो है इंडेमनीफायर के ऊपर जो है क्लेम कर सकता है।